वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है ओमजी दीक्षित और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2। यार तो अभी जो हमने ब्रेक लिया था तब पक्का तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठा होगा, यार ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होते हैं तारों से या किसी कंडक्टर से। तो सिंपल है यार, जैसे पाइप से पानी फ्लो होता है ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं तारों से, और ये सब होता है प्रेशर की वजह से, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं। जो हमारा मेटालिक वायर या फिर कहें कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अगर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें तो उसे कहा जाएगा करंट। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती है, ये रेंडमली मूव करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करता है, कोई इस डायरेक्शन में मूव करता है, कोई इस डायरेक्शन में, रैंडमली ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर हमें इन्हें इन सभी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक बीकर ए है और एक बीकर बी, इन दोनों बीकर को हमने एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, और पहले वाले बीकर में इतना पानी भर लेते हैं, लगभग फिल कर लेते हैं, और इतना ही पानी हम बीकर बी में भर लेते हैं। दोनों में सेम लेवल है वाटर का। तो आप सोचिए, क्या बीकर ए से बीकर बी में या बीकर बी से बीकर ए में इस पाइप के थ्रू वाटर का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में वाटर का लेवल सेम है। बिल्कुल इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। अगर हमें मूव करना है वाटर को ए से बी में या बी से ए में तो हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, वी बीकर से वाटर को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसमें से हम वाटर को निकाल देते हैं। मान लीजिए निकालने के बाद वाटर का ये नया लेबल बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए में ज़्यादा पानी है, वी में कम पानी है, तो वाटर जो है क्या होगा, ए से बी में फ्लो करेगा यहाँ पे इस पाइप के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, ये इतना डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस के कारण वाटर जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। बिल्कुल इसी तरह हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए। तो ये डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, सिंपली एक बैटरी को लगा के। मान लीजिए इसके दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके दोनों एंड को एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो एक साइड है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड साइड है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव होंगे, यहाँ पे आपके पॉजिटिव साइड की डायरेक्शन में मूव होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी इसी साइड ही मूव करेंगे, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे दूसरे को दूर भगाएंगे, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है सभी की डायरेक्शन क्या होगी, एक ही होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन, राइट। अब जैसे हमने इसमें देखा था, यहाँ पे हमने वी से पानी को हटा के एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक डिफरेंस क्रिएट किया है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो इस तरह के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पे बैटरी ने क्रिएट कर दिया है। बैटरी ने रियलिटी में यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक वर्क किया है, और जो वर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। इसको हम समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर। इसका मतलब होता है किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि पीछे बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क कर रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से और वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो गया? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पर वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और आपका जो क्यू है यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल अपॉन कूलम, जिसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। अगर बात की जाए वन वोल्ट की, अगर आपसे कोई पूछता है कि वन वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है या वन वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर। इसका मतलब होता है जब एक पॉइंट से जब हम किसी एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं तो उसके लिए अगर वन जूल वर्क किया जाए तो उसी को हम बोलते हैं वन वोल्ट। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज वन वोल्ट। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसका मतलब होता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उस डिवाइस को कहते हैं वोल्ट मीटर। और अभी जो हमने बताया था इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल वी। तो वोल्ट मीटर से रिलेटेड सभी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी देखेंगे कि वोल्ट मीटर को सर्किट में किस तरह से कनेक्ट किया जाए। बात की जाए वोल्ट मीटर के सिंबल की, तो इस सिंबल को बिल्कुल ही उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपके अमीटर का होता है। जैसे हमने अमीटर के सिंबल को डिजाइन किया था सेम उसी तरीके से इस सिंबल को भी करेंगे। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि अमीटर में यहाँ पे ए लिखा होता है और वोल्ट मीटर में यहाँ पे वी लिखेंगे। अब वोल्ट मीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज हाई होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हम हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने अमीटर में पढ़ा हुआ था कि अमीटर को ऑलवेज हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वैसे ही हम वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हमें एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा ये बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पे ये की कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा वो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट होगा हमारे बल्ब के साथ। तुम इस तरीके से यहाँ पे चाहे तो पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर को।
इसको हमने जैसे नीचे किया है तो चाहे तो हम ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें इससे मतलब है कि हमें कैसा आपका वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? चाहो तो आप अगर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तो नीचे कनेक्ट किया है, तो चाहो तो आप यहाँ पे ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, ये दोनों सही है। यहाँ पे आपका जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब होता है जो करंट है ये आपका ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो आपका पॉजिटिव साइड है इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो आपका नेगेटिव साइड है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब हुआ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या आप ये बोल सकते हो कि जो आपके करंट की डायरेक्शन होती है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ चार्ज। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या थी, ये। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, यानी कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो अब बढ़िया, इसी बात पे हम लोग किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट ए और पॉइंट बी में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये बताओ कि 6 कूलाम चार्ज को ए से बी तक पहुँचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। चलो दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े और जल्दी से फटाफट आंसर दे दो मुझे। चलो देखते हैं किस किसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं। देखो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस का तो पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे दिया गया है आपका कितना, 20 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा 20 वोल्ट। इसके अलावा क्या क्या पता है, इसके अलावा हमें चार्ज भी पता है, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 कूलाम। तो बस अब हमें क्या निकालना है, काम किया। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या, V इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन क्यू, तो जो हो जाएगा आपका यहाँ पे W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है 20, Q की वैल्यू दी हुई है 6, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, 120 जूल्स। अरे भैया 120 जूल, ये तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बोल के ही थकावट सी महसूस हो रही है मुझे। चलो करते हैं थोड़ा सा आराम और मिलते हैं अगले वीडियो में।